करप्शन की रोजी पर टांग पड़ी तो सब बेरोजगार हो गए। इन बेरोजगार सियासतदानों ने मिलकर अब मौलाना को किराए पर ले लिया है, अब रेंट पर मामला चलेंगे। वजीर सनत और तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल की घन गरज, बोले जो कहते थे हमारी कहीं कोई जायदाद नहीं, आज जायदाद के बच्चे आ गए। एक दूसरे को गालियां देने वाले करप्शन बचाने के लिए करीब आ गए हैं। सबको बता देना चाहता हूँ, अब खान नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान में क्या, इंग्लैंड में कोई जायदाद नहीं, अब जायदाद के बच्चे निकल रहे हैं। कभी कहीं से बच्चा निकलता है, कभी कहीं से जायदाद का बच्चा निकलता है। ये जिनकी रोजी के ऊपर, करप्शन के ऊपर टांग पड़ी है, वो सारे बेरोजगार एक ट्रक के ऊपर खड़े हो गए। यही चौक है, इसी चौक के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे को गालियां दी करती थी। आज यही है कि एक ट्रक के ऊपर खड़े हैं और एक दूसरे का मुंह चूम रहे हैं, माथा चूम रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि करप्शन उन्हें पता है खान नहीं छोड़ेगा। इसलिए सारे बेरोजगार इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक मौलाना साहब को रेंट पे ले लिया, अब रेंट के ऊपर मामला चलेगा।